क्लास आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन का एक टॉपिक, यूरिन एलिमिनेशन। सबसे पहले हम एलिमिनेशन के बारे में वापस से रिपीट कर लेते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन होता है एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। बॉडी से वेस्ट का एक्सपल्सन करना, बाहर निकालना एलिमिनेशन कहलाता है। उसके बाद में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले पॉलीयूरिया के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने ऑलिग्यूरिया के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ा था, रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ा था, एनीमा और क्लाइसिस, एनीमा या फिर क्लाइसिस, या एनीमा को ही क्लाइसिस बोलते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में पढ़ा था, डिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी। तो आज हम एलिमिनेशन के टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं यूरिन एलिमिनेशन के बारे में। तो यूरिन एलिमिनेशन के बारे में के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज वापस से रिपीट होगी, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी वापस से रिपीट होती है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब आपको मैंने बताया था, पॉली मतलब ज़्यादा और यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इनटेक वो नॉर्मल है, तो उसे अपन पॉलीयूरिया कहेंगे। पॉलीयूरिया के अंदर जो यूरिन आउटपुट होगा वो 2500 ml से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ऐसा जो होता है वो डायबिटिक मेलिटस एंड डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर देखा जाता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है ऑलिग्यूरिया। ऑलिग्यूरिया के अंदर क्या होता है कि जो यूरिन आउटपुट होगा वो लेस देन 400 ml होगा, मतलब इनटेक नॉर्मल है लेकिन आउटपुट क्या है, कम है, उसे हम बोलेंगे ऑलिग्यूरिया। और ऐसी जो कंडीशन होती है वो शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। और शॉक के बारे में पता भी सबसे पहले इसी तरीके से लगता है कि अगर आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, इसका मतलब पेशेंट है वो धीरे धीरे शॉक की कंडीशन में जाना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है एन्यूरिया। एन्यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट होगा वो लेस देन 100 ml से भी कम होगा। और ऐसा हम किन पेशेंट्स में देखते हैं? रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अर्क। अर्क के बारे में हमने कल पढ़ा था कि आपको डिज़ायर है, सेंसेशन है, लेकिन आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, एबिलिटी टू कंट्रोल, तो उसे हम अर्क बोलते हैं। इसकी जो अमाउंट होती है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितनी होती है? 150 से 200 ml के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वो आता है अर्जेंसी। अर्जेंसी के अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होगी, तो यूरिन आउटपुट होगा, मतलब अपन को क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी, और इसका जो अमाउंट होगा वो होगा 600 ml के आसपास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के बारे में। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ द यूरिन, यूरिन का इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक तरीके से यूरिन का पास आउट होना, वो ड्यू टू किस कारण से होगा? एक तो वीक पेरिनियल मसल्स की वजह से होगा, एक लॉन्ग टाइम कैथेटराइजेशन अगर पेशेंट के अंदर किया हुआ है तो उस वजह से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या होगा कि पेशेंट होगा वो यूरिन को पास आउट करने में अनेबल होगा, लेकिन प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन क्या होगा उसका, नॉर्मल होगा, तो वो आता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। और रिटेंशन ऑफ यूरिन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ प्राइवेसी, स्ट्रेस, एंजाइटी, मसल स्पास्म, PPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, और उसके बाद किसी भी चीज़ का फियर हो या पेन हो, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में मैनेजमेंट, हम इसका क्या करेंगे रिटेंशन ऑफ यूरिन का, रिटेंशन ऑफ यूरिन का मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले उसको असेस करेंगे पेशेंट को असेस करेंगे, तो उसका मेथड क्या होगा? पाल्पेशन मेथड फॉर टेंडरनेस, यानी कि पेन का पता लगाने के लिए पाल्पेट करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है परकशन करेंगे। परकशन जब अपन पेशेंट का करते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर या लीवर वगैरह करते हैं, तो हमें डल साउंड सुनाई देती है परकशन करने पर, ये भी मैंने आपको बताया है हेल्थ असेसमेंट के अंदर।
उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, एप्रोप्रिएट पोजीशन देंगे। एप्रोप्रिएट पोजीशन के अंदर क्या होगी, सबसे पहले जो फीमेल होगी उसके अंदर स्क्वाटिंग पोजीशन होगी और मेल के अंदर स्टैंडिंग पोजीशन, ये हम उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन टैप वाटर इन टॉयलेट, साउंड ऑफ वाटर क्रिएट साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन के लिए टैप वाटर को ओपन करेंगे जिससे कि उसको साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन मिले। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैनेजमेंट होगा वो करेंगे क्रीट मैन्यूवर। क्रीट मैन्यूवर के अंदर क्या होगा, अपन मसाज करेंगे एब्डोमन की अपर टू लोअर की साइड, यानी अपर टू डाउनवर्ड की साइड, अपर टू डाउनवर्ड की साइड। जो हॉट वाटर बैग अप्लाई करेंगे अपन नेक्स्ट, इसकी जो मैनेजमेंट है उसके अंदर क्या करेंगे कि फिर भी अगर यूरिनेशन नहीं हो रहा है तो अपन हॉट वाटर बैग अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, जिसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 149 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास। अब इन सब के एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है कि हॉट वाटर बैग जो होता है वो मसल स्पैज्म को रिलीव करेगा, सबसे पहला काम तो इसका ये है। दूसरा क्या करेगा, लोकलाइज वैसोडाइलेशन करेगा। वैसोडाइलेशन करने से क्या होगा, स्फिंक्टर्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे और यूरिनेशन होगा। देन इसका जो ड्यूरेशन होता है हॉट वाटर बैग अप्लाई करने का वो होता है लगभग 20 मिनट के आसपास। और इसके बाद हम करते हैं कैथेटराइजेशन का नया टॉपिक, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन कैसे होता है, तो कैथेटराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैथेटर को इंट्रोड्यूस करेंगे ब्लैडर के अंदर, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर के अंदर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना कैथेटराइजेशन के अंदर। इसके पर्पज क्या होंगे, सबसे पहले यूरिन को पास आउट करने के लिए, यानी कि एलिमिनेशन का पर्पज होगा। दूसरा होगा ड्रग इंस्टॉलेशन के लिए, अपन को कोई भी ड्रग इंस्टॉलेशन करनी है ड्रॉप बाय ड्रॉप के थ्रू तो अपन कैथेटर के यूज़ करेंगे। ब्लैडर के इरिगेशन के लिए अपन कैथेटर का यूज़ करते हैं, या कोई भी यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी कैथेटराइजेशन करते हैं। इसके बाद इसकी जो इंडिकेशंस क्या क्या होंगी कि कैथेटर कब कब यूज़ करते हैं, सबसे पहला कैथेटर यूज़ करेंगे अपन या तो कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई हो, या फिर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, मतलब जिस कोमा वाले पेशेंट होंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट होंगे, और या फिर कोई स्ट्रोक का पेशेंट होगा, बीपीएच का पेशेंट होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का पेशेंट, और या फिर कोई पैरालिसिस का पेशेंट होगा, तो उसके अंदर अपन यूज़ करेंगे कैथेटर का, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर क्या है कैथेटर इंट्रोड्यूस करने का, प्रोसीजर से पहले प्रोसीजर क्या है कि अपन को कैथेटर इंट्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहला क्या करेंगे अपन डॉक्टर के ऑर्डर को चेक करेंगे कि डॉक्टर ने कैथेटर इंट्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट आता है वो आइडेंटिफाइड राइट पेशेंट। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि राइट पेशेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नाम वगैरह पूछेंगे, उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जैसे कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो रिस्ट आईडी बैंड बंधा हुआ होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड जो स्टेप आता है वो है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को ताकि पेशेंट कोऑपरेट कर सके हम नर्स के साथ, और उसके बाद उसको इस प्रोसीजर में आसानी हो, जिससे कि अगर प्रोसीजर को पहले पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे तो उसकी एंजाइटी, उसका फियर थोड़ा कम हो जाएगा और वो अच्छे से इस प्रोसीजर के अंदर अच्छे से ये प्रोसीजर करवा पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट से चौथा जो स्टेप आएगा वो आएगा पेशेंट से कंसेंट कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से कंसेंट कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसके रिलेटिव्स या रिलेटिव्स के साथ डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप प्रोवाइड पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर प्राइवेसी प्रोवाइड करने के बाद आर्टिकल्स क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कैथेटर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कब कब कैथेटर को सिलेक्ट करने की क्राइटेरिया के अंदर हम सबसे पढ़ेंगे एज। एज जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ यूरिथ्रा पर कि कौन सा कैथेटर यूज़ किया जाए, या डिजीज कंडीशन की कौन सी डिजीज है। उसके बाद पर्पज ऑफ कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन क्यों करना है उसके लिए भी
नेक्स्ट जो आएगा उसका ड्यूरेशन की कितने टाइम के लिए कैथेटर यूज़ करना है, तो इसके लिए अलग अलग टाइप के कैथेटर्स हो सकते हैं। एलर्जिक कंडीशन, अगर पेशेंट को सिलिकॉन कैथेटर से एलर्जी है या फिर लेटेक्स कैथेटर से एलर्जी है, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के कैथेटर के यूज़ करते हैं, उसकी एलर्जिक कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले कैथेटर का जो साइज़ है वो एडल्ट मेल के अंदर होगा 16 से 18 फ्रेंच, एक फ्रेंच होता है 0.33 mm का। उसके बाद फीमेल क्लाइंट के अंदर क्या होगा, एडल्ट फीमेल क्लाइंट के अंदर 14 से 16 फ्रेंच का। नेक्स्ट आता है, वो आता है टाइप ऑफ कैथेटर। टाइप ऑफ कैथेटर के अंदर सबसे पहला आएगा क्रैडल कैथेटर या कार्डल कैथेटर। कार्डल कैथेटर जो होता है उसको अपन बोलते हैं कर्व कैथेटर। कर्व कैथेटर का मतलब ही ये है कि उसकी जो टिप है वो स्लाइटली थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, कर्व्ड होगी, इसलिए अपन उसको कर्व कैथेटर भी बोलते हैं। इसका जो यूज होता है वो मेनली क्या करता है, सर्जरीज के अंदर करते हैं। सर्जरीज होगी TURP, ट्रांसमिट्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट आएगा वो आता है टैक्सिस कैथेटर। टैक्सिस कैथेटर को अपन ये बोलते हैं कॉन्डम कैथेटर भी बोलते हैं। इसका जो यूज होता है वो मेनली सैंपल कलेक्शन के लिए करते हैं, या फिर सैंपल कलेक्शन के अंदर भी जो नियोनेट एंड इन्फेंट्स जो है उनके अंदर अपन करते हैं, या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो तभी अपन टैक्सिस कैथेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेलिगोट कैथेटर। इसका यूज करते हैं अपन ओपन रीनल सर्जरी के अंदर। उसके बाद जो अगला जो कैथेटर का टाइप आएगा वो आएगा रॉबिन्सन कैथेटर। रॉबिन्सन आएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट कैथेटर, जिसका यूज करते हैं टेम्पररी रिलीफ के लिए, यूरिन को पास आउट करने के लिए पेशेंट में, जिसका एग्जाम्पल है रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड एम्प्टी ब्लैडर बिफोर पैरासेंटेसिस। नेक्स्ट जो नॉर्मली जो यूज होता है वो आता है फॉलीज कैथेटर। फॉलीज कैथेटर के दो टाइप होते हैं, एक तो लेटेक्स का बना होता है, एक सिलिकॉन का बना होता है। जो लेटेक्स वाला रहता है उसका यूज हम लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, लगभग 1 मंथ के आसपास, और इसकी लिमिट होती है। सर्जरी वाले पेशेंट्स के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। सिलिकॉन कैथेटर होती है, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 3 मंथ तक, और ये अनकॉन्शियस पेशेंट, कोमा वाले पेशेंट्स या न्यूरो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अपन यूज करते हैं। पॉली कैथेटर के टाइप्स होंगे, एक तो सिंगल ल्यूमन, एक डबल ल्यूमन, एक ट्रिपल ल्यूमन। सिंगल ल्यूमन होता है वो सैंपल कलेक्शन के तौर पर अपन यूज करते हैं, डबल ल्यूमन जो होता है वो सर्जरी के लिए अपन यूज करते हैं। सिंगल ल्यूमन को अपन टेम्पररी वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, और जो डबल ल्यूमन होता है वो मेनली सर्जरीज के बाद पेशेंट पे यूज किया जाता है। ट्रिपल ल्यूमन जो होता है वो इरीगेशन के तौर पर यूज किया जाता है। उसके बाद में हम आते हैं कैथेटर का। कैथेटर को लगाने के लिए हमें 2% जाइलोकिन जेली की जरूरत पड़ती है लुब्रिकेंट के तौर पर। यूरोबैग की जो कैपेसिटी होती है 2 लीटर। 2 लीटर की यूरोबैग की कैपेसिटी होगी, जिसके अंदर अगर वो 1400 से 1500 ml तक भर जाता है तो उसको खाली कर देना चाहिए, और जो कैथेटर होता है उसको 7 दिन के बाद चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो उसको क्लीन करने के लिए अपन एंटीसेप्टिक बिटाडीन का यूज़ करते हैं, और यदि किसी को बिटाडीन से एलर्जी है या प्रॉब्लम है तो अपन सैलॉन सॉल्यूशन का भी यूज़ करते हैं। पेशेंट को पोजीशन कौन सी दी जाती है उसके बारे में, पोजीशन जो होती है वो डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन दी जाती है, उसको सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट होगा वो लेटा हुआ होगा और अपनी नीज को फ्लैक्स करता है इनसाइड की तरफ, ये आती है डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन, ठीक है। और इसकी जो इमेज है वो मैं आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट जो आता है, इसको क्लीन, यूरिथ्रा को फीमेल के अंदर क्लीन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। नेक्स्ट आता है टॉप टू बॉटम और फ्रंट टू बैक, इसको अपन ऐसे तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर वो स्टेप होता है वो स्वैप जो होंगे वो 2 यूज़ करेंगे अपन, स्वैप के नंबर। यूरिथ्रा को मेल के अंदर क्लीन करने के लिए क्या करेंगे, पैनिस को 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करेंगे, उसके बाद अपवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्लीन करेंगे, सर्कुलर डायरेक्शन में। 2% जाइलोकिन जेली का यूज़ करेंगे कैथेटर पर, और पेशेंट को डीप ब्रीथ और होल्ड करने के लिए अपन इंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मेल के अंदर जो कैथेटर इंसर्ट होता है वो 6 से 8 इंच का होता है, और फीमेल के अंदर 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक का यूज़ करते हैं, या 2 से 3 इंच में हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है वो आती है कैथेटर की केयर।
कैथेटर की जो केयर है उसमें अपन यूरो बैग को जो फिल्ड होता है 1400 से 1500 ml, तो उसके बाद कैथेटर को अपन चेंज करेंगे या यूरो बैग को चेंज करेंगे और यूरेथ्रल मीटस को क्लीन करेंगे दिन में 2 बार कम से कम, और एंटीसेप्टिक सोप या वाटर का यूज़ करेंगे, कैथेटर को फिक्स करेंगे लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर। इसके बाद में क्या करेंगे, अपन कैथेटर को रिमूव कर देंगे इफ अगर गोल अचीव हो चुका है तो। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी क्या करेंगे, कैथेटर को डीफ्लैट करेंगे और बैलून को, और उसके बाद उसको रिमूव करेंगे, उसके अंदर जो एनएच पुश की गई थी उसको निकाल लेंगे सिरिंज से और उसको डीफ्लेट कर देंगे, उसके बाद कैथेटर को रिमूव कर देंगे। जो कैपेसिटी ऑफ बैलून होती है वो 30 to 50 ml होती है, और उसके अंदर अपन क्या करते हैं इसकी क्लीन करेंगे यूरेथ्रा को कैथेटर को रिमूव करने के बाद। अगर पेशेंट है वो कंप्लेन करता है ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन की, तो उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कीगल एक्सरसाइज के लिए। इसके एडवांटेज क्या होंगे, इम्प्रूव करेगा पेरिनियल मसल्स को, जिससे कि ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन है वो सही हो जाएगी, ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन वाली प्रॉब्लम। ये होती है कैथेटर के बारे में।